सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों फाइनली Xiaomi ने अपने नोट सीरीज के स्मार्टफोन में अपडेट देना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग Redmi Note 8 Pro यूज करते हैं उनको MIUI 12 का अपडेट देखने को मिलेगा और जो लोग Redmi Note 7 Pro यूज करते हैं उनको Android 10 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये दोनों ही अपडेट 2GB के होने वाले हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोग हैं जो इस अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों जो अपडेट है काफ़ी टाइम से आने वाला था लेकिन दोस्तों आ नहीं पाया। तो बहुत से लोग थे दोस्तों जो इस अपडेट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों MI 12 का जो अपडेट है इनमें हमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोग थे जो इसका वेट कर रहे थे, तो फाइनली Redmi Note 8 Pro में MIUI 12 का अपडेट आ चुका है। तो दोस्तों जो लोग Redmi Note 8 Pro यूज करते हैं वो अपने फ़ोन को अपडेट कर लें, और दोस्तों जो लोग Redmi Note 7 Pro यूज करते हैं वो Android 12 का अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों आपको इन दोनों अपडेट में काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो 2GB के अपडेट हैं और दोस्तों जो बड़ा अपडेट होता है उनमें हमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि MIUI 12 जो है उसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर हैं, तो जो लोग Redmi Note 8 Pro चला रहे हैं वो इस अपडेट को अपडेट कर सकते हैं और अपने फ़ोन में नए नए फीचर ला सकते हैं। और दोस्तों जो लोग Redmi Note 7 Pro यूज कर रहे हैं वो अपने फ़ोन को Android 10 में अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों Android 10 में अपडेट होने के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा ये दोस्तों अपडेट होने के बाद ही पता लगेगा। तो अगर आप Note 7 Pro यूज करते हो तो आप फटाफट से अपने फ़ोन को अपडेट कर लो और उसमें देख सकते हो कि आपको क्या कुछ नया देखने को मिला है। दोस्तों अगर आप Note 7 Pro और Note 8 Pro यूज कर रहे हो, अगर आपके फ़ोन में अपडेट नहीं आया है तो बहुत ही जल्द आपके फ़ोन में भी आ जाएगा, तो थोड़ा वेट करें दोस्तों। वैसे तो ये अपडेट इंडिया में सभी लोगों के पास आ चुका है, लेकिन अगर कुछ लोगों के पास रह चुका है तो कुछ ही टाइम में उन लोगों के पास भी आने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही अपडेट ये आता है आप उस अपडेट को अपडेट कर सकते हो और दोस्तों अपने फ़ोन में नए नए फीचर ला सकते हो। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो दोस्तों जब भी आप अपने फ़ोन को अपडेट करो, अपडेट करने से पहले आप अपने फ़ोन मेमोरी का डाटा होता है उसे आप किसी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में सेव कर लो। दोस्तों इससे क्या होगा कि जब हम अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं तो हमारे फ़ोन में दोस्तों कुछ ऐसे बक्स आ जाते हैं जिससे हमारा डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है। तो दोस्तों आप इस सबसे बचने के लिए अपने डाटा को पहले से सिक्योर कर लो, जिससे आपका डाटा डिलीट होने से बच जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।